शुक्रवार को नागों के देवता की पूजा के लिए नागपंचमी का त्यौहार बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया गया। जहां शिव मंदिरों में लोगों ने शेषनाथ की पूजा की, वहीं कुछ मंदिरों में शिव आराधना और रुद्राभिषेक भी किया गया। शहर में इस दिन को गुड़िया के पर्व के नाम से भी जाना जाता है, जिसके तहत राप्ती तट स्थित श्री राम घाट पर महिलाओं और बालिकाओं ने जल में गुड़िया प्रवाहित किया और त्यौहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया। मान्यता के मुताबिक नागपंचमी के दिन बहनें कपड़े की गुड़िया नदी पर डालती हैं और भाई उसे डंडों से पीटते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सुशीला और मुक्तेश्वर नाथ मंदिर के पुजारी रामनाथ उपाध्याय ने कहा। सुशीला, और देखिए आज नाग पंचमी का दिन है और हम लोग बहुत खुशियाँ मनाते हैं। अच्छा अच्छा पकवान बनता है, उसके बाद से शाम के जाते हम लोग गुड्डी बनाकर लाकर यहाँ गंगा जल में प्रवाह करते हैं, पीते हैं और उसके बाद घर जाके शाम को झालू वालू झूलते हैं। बस रमानाथ मंथ मुक्तेश्वर नाथ, इस दिन नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा किया जाता है। इस दिन नाग के पूजा करने के लिए दूध लावा, गाय का दूध लावा और चना चढ़ाया जाता है और इस दिन भगवान मंदिर शंकर जी के मंदिर में भी आते हैं, दूध लावा चढ़ाते हैं और नाग की पूजा होती है। काल सर्प की शांति भी होती है इस दिन नाग पंचमी के दिन, और यही सब होता है। आज क्या क्या स्थिति है मंदिर? आज मंदिर में बहुत अधिक से अधिक संख्या में लोग आए थे, दूध लावा चढ़ाए।